हिंगनघाट अग्निकांड मामले की सुनवाई सोमवार को हिंगनघाट की अदालत में शुरू हुई है। इस मामले के लिए उज्जवल निकम को सरकारी वकील नियुक्त किया गया है। उनके रहते उज्जवल निकम न्यायालय में युक्तिवाद के लिए सोमवार को पेश हुए हैं। 3 फरवरी 2020 को हिंगनघाट में एक तरफा प्यार में एक सरफिरे ने एक युवती पर पेट्रोल फेंक दिया और उसे आग लगा दी। 7 दिनों तक जिंदगी से लड़ाई के बाद लड़की की अस्पताल में मौत हो गई। इस घटना से पूरे राज्य में आक्रोश और रोष फैल गया था। इस मामले के आरोपी विकेश उर्फ विक्की नागराय फिलहाल नागपुर जेल में बंद है। 3 महीनों में फैसला देने का वादा सरकार की और गृह मंत्री इन्होंने किया था, लेकिन कोरोना के रहते प्रकरण लंबित था। हिंगनघाट जलित कांड की घटना के बाद राज्य में आक्रोश को देखते हुए सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया था। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने 3 महीनों के भीतर मामले को निपटाने का वादा किया था। हालांकि मार्च के बाद से कोरोना की घटनाओं में वृद्धि के कारण अदालती प्रक्रिया में देरी हुई। हिंगनघाट न्यायालय में प्रकरण की शुरुआत सोमवार को हुई है। पुलिस ने हिंगनघाट की घटना के 25 दिन बाद 28 फरवरी को अदालत में 426 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। यह भी मांग की गई थी कि इस मुकदमे की पैरवी के लिए वर्धा में फास्ट ट्रैक कोर्ट उपलब्ध कराया जाए। हालांकि चूंकि आवेदन को मंजूरी नहीं दी गई थी, इसलिए मामले की सुनवाई हिंगनघाट में की जाएगी। विक्की नगराय की अदालत में सुनवाई सोमवार से शुरू होने वाली है। विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम इस केस के लिए हिंगनघाट के जिला सत्र न्यायालय में 11:22 पर पहुंच चुके थे। हिंगनघाट से रवि नोरकर की रिपोर्ट, NBC न्यूज नागपुर। हिंगनघाट जळीत प्रकरणामधील आज आरोपीला न्यायालयात हजर ठेवण्यात आलं होतं। त्याच्या विरुद्ध सरकारतर्फे आम्ही न्यायालयात काही आरोप प्रस्तावित केलेले आहेत आणि म्हणून आज त्याचे वकील गैरहजर असल्यामुळे 17 तारखेला आरोपीच्या विरुद्ध आरोप निश्चिती होईल आणि त्याच्यानंतर लगेच 15 दिवसात या खटल्याची प्रत्यक्ष सुनावणीला सुरुवात आम्ही करू असं न्यायालयात सांगितलं। न्यायालयाने आमची विनंती मान्य केलेली आहे आणि खटल्यातील प्रत्यक्ष पुराव्याची साक्षीदारांची सुनावणी ही जानेवारीच्या 1 किंवा 2 आठवड्यात सुरू होईल। महाराष्ट्र राज्यात दिशा नाही तर शक्ती कायद्याचं विधेयक आज अधिवेशनात मांडण्यात येण्याची शक्यता आहे आणि जर विधानसभेच्या अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर झालं तर त्यानंतर केंद्राकडे ते मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल। महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने हा घेतलेला मोठा क्रांतिकारक निर्णय आहे, कारण शक्ती हा कायदा महिलांचं सबलीकरण आणि महिलांवरती होणाऱ्या अत्याचाराला जरब बसावी याकरता काही कठोर तरतुदी या कायद्यान्वये करण्यात आलेल्या आहे। विशेषतः बलात्कार, विनयभंग आणि रासायनिक तज्ज्ञांचा अहवाल विशिष्ट मुदतीत मिळायला पाहिजे। त्याचप्रमाणे जे आपल्या सोशल मीडियावरती मुलींची किंवा स्त्रियांच्याबद्दल बिभत्स्य गोष्टी लिहिल्या जातात त्याला पायबंद घालण्याकरता विशेष तरतूद या कायद्यात करण्यात आलेली आहे। या खटल्याचा निकाल हा त्वरित लागणं आवश्यक आहे, तसंच अपिलाकरता देखील मुदत निश्चित करण्यात आलेली आहे। असा वैशिष्ट्यपूर्ण असा हा कायदा येण्याची शक्यता महाराष्ट्रात निर्माण झालेली आहे। महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ, गृहमंत्री, त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री यांचं मी त्याकरता अभिनंदन करेल की जेणेकरून महिलांना आपल्याविरुद्ध अन्याय होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध कठोर पावलं उचलता येतील आणि त्या दृष्टिकोनातून त्यांना अधिक साक्षर करण्यात येईल।